दर्शकों, वाहन का अर्थ है वहन करने वाला, यानी जो आपको लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाए। जिस प्रकार हम लोगों के पैर हैं, उनका कार भी यही है कि वह शरीर के भार का वहन करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब इन्हीं पैरों का ही एक्सटेंशन है वाहन। वाहन अब परिवार का एक सदस्य की तरह हो गया। जीवन की एक परम आवश्यकता हो गई है वाहन। हिंदू धर्म की पूजा पद्धति के अनुसार जब भी कोई वाहन खरीदते हैं तो उसका पूजन करना बहुत आवश्यक होता है, ताकि वह आपके लिए मंगलकारी हो, आपकी रक्षा करे। शास्त्रों में किसी भी नई वस्तु के आने पर उसकी पूजा अर्चन करने का विधान है। वाहन से महत्वपूर्ण और क्या हो सकता है? मकान और भवन के बाद यदि कोई महत्वपूर्ण वस्तु है तो वो वाहन है। आपका घर स्थिर रूप में सुख देता है और वाहन चर रूप में सुख देता है, और हम लोगों को समय भी बचाता है, समय पर पहुंचाता है, और हमारी क्षमताओं को भी सुरक्षित रखता है, एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। इसलिए गृह प्रवेश की भांति वाहन की भी पूजा होनी चाहिए, दोनों की वैल्यू बराबरी है। तो वाहन की पूजा घर में वरिष्ठतम महिला, जो भी सीनियर महिला होगी, उसके द्वारा करानी चाहिए या फिर पुरोहित द्वारा। वाहन के ऊपर आम का पत्ता ले लीजिए या अशोक का पत्ता ले लीजिए, उसको जल, वाहन के ऊपर पहले जल छिड़कना चाहिए, उससे पूजन करना चाहिए। उसके बाद वाहन में सिंदूर और घी का मिलाकर एक स्वास्तिक बनाना चाहिए अनामिका से, इस उंगली से। स्वास्तिक शुभ होने के साथ ही बहुत एनर्जी देने वाला ये एक शुभ आकृति है। यात्रा में किसी भी प्रकार का व्यवधान ना आए, इसलिए स्वास्तिक बनाना चाहिए। वाहन को फूल एवं माला अर्पित करनी चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, और कलावा रक्षा सूत्र रूप में वाहन में आप बांध सकते हैं। अब बांधने के लिए स्थान अंदर की तरफ जो बैक मिरर होता है सामने, उसमें बांध दीजिए, और इसके अलावा फिर कपूर की आरती करिए वाहन की, और कलश से जो जल लीजिए वाहन के दाईं ओर और बाईं ओर दोनों तरफ डालिए। यहां वाहन का जो स्वागत करने का भाव प्रदर्शित कर रहा है, और जो आरती हो जाए तो उसके बाद जो कपूर जल जाता है, जो कालीमा होती है, उसका एक लेके उसको तिलक लगा दीजिए वाहन में, कहीं भी आगे की तरफ बोनट में। तो दर्शकों, इससे जो भी निगेटिव एनर्जी है वो रुकती है, नजर दोष रुकता है, और नजर दोष के बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अब वाहन पर मिठाई रखें। इसके बाद अगला स्टेप आप क्या करिए कि वाहन पर मिठाई रखिए, उसके बाद ये मिठाई किसी गाय को अवश्य खिला दीजिए, गौ माता की कृपा अति आवश्यक है, और एक नारियल लेकर नए वाहन के ऊपर से 7 बार घुमाकर और वाहन के आगे उसको फोड़ दीजिए। इस वाहन को उसके बाद स्टार्ट करके आप उसके चारों ओर चक्कर भी लगा सकते हैं, परिक्रमा करने का विधान है। इसके बाद एक और विधान है, और ये बड़ा कारगर है निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, कि वाहन के चारों पहियों में के नीचे आप नींबू रख दीजिए, और फिर वाहन को आगे बढ़ाइए, नींबू सब फट जाने चाहिए, और इसके बाद वाहन को सर्वप्रथम आप मंदिर लेकर जाएं, और आप ये जो पूजन है ये मंदिर में भी कर सकते हैं। दर्शकों, आपने यदि किसी पुरोहित से पूजा कराई है, माने घर में वृद्ध महिला नहीं है, तो फिर पुरोहित को दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। नया वाहन से सदा अच्छा लाभ मिलता रहे, इसके लिए कुछ पीले रंग का धागा, अगर कौड़ी मिल जाए तो कौड़ी में बांध के भी लगा सकते हैं, नहीं तो साधारण पीला धागा अवश्य बांध देना चाहिए बुधवार के दिन। इससे वाहन की रक्षा रहती है। अगर आपने पुराना वाहन खरीदा है, सेकेंड हैंड वाहन, तो सर्वप्रथम गाड़ी को धोना है, यानी पूरी गाड़ी अच्छे से वॉश करानी है, और खासकर पहियों में। पहिए ऐसे साफ करने कि बिल्कुल नए ऐसे लगने लगे, कोई भी धूल का कण नहीं होना चाहिए। साथ में गाड़ी के नीचे
की तरफ मिट्टी लग जाती है, वो सब साफ हो जानी चाहिए। यानी कोई भी डस्ट, कोई भी गंदगी पहले वाले ओनर की इधर नहीं आएगी। इसके अलावा जितने सीट कवर हैं, भले ही वो नए हों, फिर भी आपको सीट कवर बदल देने चाहिए और अपने नए लगाने चाहिए। इसके अतिरिक्त एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि अगर गाड़ी की कोई लाइट अगर चिटकी है, कहीं कोई शीशा चिटका हुआ है, भले ही वो फाइबर का हो या प्लास्टिक का हो या शीशे का हो, लेकिन कोई भी खंडित चीज़ टूटी हुई नहीं है, पूरी अच्छे से ठीक कराने के बाद ही, उसको धोने के बाद ही उसका पूजन करना है। पूजन की विधि वही है जो नई गाड़ी की विधि है। और एक नारियल लेकर नए वाहन के ऊपर से 7 बार घुमाकर और वाहन के आगे उसको फोड़ दीजिए। इस वाहन को उसके बाद स्टार्ट करके आप उसके चारों ओर चक्कर भी लगा सकते हैं, परिक्रमा करने का विधान है। इसके बाद एक और विधान है और ये बड़ा कारगर है निगेटिव एनर्जी से बचने के लिए, कि वाहन के चारों पहियों में के नीचे आप नींबू रख दीजिए और फिर वाहन को आगे बढ़ाइए, नींबू सब फट जाने चाहिए। और इसके बाद वाहन को सर्वप्रथम आप मंदिर लेकर जाएं, और आप ये जो पूजन है ये मंदिर में भी कर सकते हैं। दर्शकों, आपने यदि किसी पुरोहित से पूजा कराई है, माने घर में वृद्ध महिला नहीं है, तो फिर पुरोहित को दक्षिणा अवश्य दीजिएगा। नया वाहन से सदा अच्छा लाभ मिलता रहे, इसके लिए कुछ पीले रंग का धागा, अगर कौड़ी मिल जाए तो कौड़ी में बांध के भी लगा सकते हैं, नहीं तो साधारण पीला धागा अवश्य बांध देना चाहिए बुधवार के दिन।